यूपी के हमीरपुर में एक महिला अपने पति को बचाने के लिए पुलिस से भिड़ गई। दरअसल इस महिला का पति दिव्यांग है। ये 1000 और 500 के पुराने नोट बदलवाने के लिए लाइन में खड़ा था। आरोप है कि थक जाने के बाद उसने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि उसे जल्दी एंट्री दे दी जाए, लेकिन पुलिस वालों ने धक्का देकर कहा कि तुम लंबी लाइन में ही लगे रहो, जिस पर पत्नी भड़क गई। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने दिव्यांग के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं की। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।